नमस्कार, वेलकम टू अनिल शर्मा एस्ट्रोलॉजी टीवी। स्वागत है आप सभी का अनिल शर्मा एस्ट्रोलॉजी में। और मैं आज लेके आया हूँ मंथ ऑफ अप्रैल एंड लियो राशि क्या होगा आप सभी के साथ इस अप्रैल के महीने में, देखते हैं। और सबसे पहले मैं बात करूँ आपकी सेहत की, तो देखना होगा कि आपके 12th हाउस में राहु और 8th हाउस में आपके राशि या लगन के लॉर्ड जो सूर्य हैं वो बुध के साथ बैठे हुए हैं। तो ये दिखा रहा है कि बहुत सारी मानसिक चिंताएं, परेशानियां, अननेसेसरी हो सकती हैं, उसके पीछे कारण हो सकता है रात की नींद जो है वो। उसमें आप जैसे होता है ना, एक आदमी घोड़े बेचकर सो जाए, ऐसा नहीं लगता है कि आपको रात को बार बार उठना पड़ सकता है। तो ये स्थितियां कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ के बारे में इस महीने में दिखाई दे रही हैं। और बिगिनिंग ऑफ द मंथ आप निश्चित तौर पर ऐसा महसूस करेंगे, लेकिन जैसे ही आफ्टर 13th ऑफ अप्रैल आप देखेंगे कि आप में एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी आ रही है, क्योंकि सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, वही बहुत सारी चीजें आपकी फेवर में होती चली जाएंगी। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, गुस्से पे काबू रखें, और नोन और अननोन एंग्जाइटी जो है उसको दूर कहीं फेंक दें, क्योंकि असल में उसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है। अगर मैं आपके संबंधों की बात करूं तो अगेन सेकंड हाउस एक्सटेंडेड फैमिली लोग बुध उसको रिप्रेजेंट करते हैं, आठवें घर में ही बैठे हुए रेट्रोग्रेड कंबस्ट हैं, तो लोग जेलस हैं आपसे और आपके खिलाफ आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करने में वो रुकेंगे नहीं, और मौका मिलेगा तो आपके सामने भी कुछ बुरा करने से नहीं रुकेंगे। तो यही कहूंगा कि आप वो सूर्य हैं जिसको कोई कितनी भी देर बादल क्यों ना आके घेर ले, लेकिन उसको रोक नहीं सकता, उसके तेज को कम नहीं कर सकता। तो आपको बस अपने आप पर भरोसा रखना है, ऐसा ना हो अगर आप डूबे तो फिर आपको कौन पार लगाएगा। कहने का मतलब है कि एक्सटेंडेड फैमिली रिश्तों में बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं, षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसीज आपके अगेंस्ट हो सकती हैं, तो वी पॉजिटिव और अपने आप भरोसा रख के आगे बढ़ते चले जाएं, तो निश्चित तौर पर एक सुकून भरी बात होगी। अगर सिबलिंग की बात करूं तो निश्चित तौर पर आपका थर्ड हाउस, जहां मैं कह सकता हूं कि वीनस जो है बिल्कुल उसके सामने बैठे हुए उसको आस्पेक्ट कर रहे हैं, और वहीं साथ ही साथ जुपिटर भी उसमें बैठे हुए हैं। तो ये जो जुपिटर और वीनस आपस में मिले हुए, तो दिखा रहा है कि भाई बहन दिखावे का साथ जरूर करेंगे इस समय, और दिखावे का साथ भी कई बार अच्छा होता है। कहते हैं कि पहाड़ जो है वो कैसा पथरीला भी हो तो लगता है कि बड़ा सुंदर है, क्योंकि उसके ऊपर पेड़ उगाते हैं। तो यहीं पर आपको ध्यान रखना होगा कि आंखें बंद कर विश्वास ना करें, अपने आप को बनाए रखनी, अपनी पहचान को बनाए रखें, कहीं ऐसा ना हो कि पत्थर गिरे, पहाड़ गिरे तो आपके माथे पे आके पत्थर लगे। सो समझ के आगे बढ़े, निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा, अन्यथा निश्चित तौर पे आप किसी मुश्किल दौर से गुजर सकते हैं, और ये होगा आपका ओवर कॉन्फिडेंस या आपका वो विश्वास जो अभी आपको नहीं दिखाना चाहिए। और क्यों ना हो, आप ऑनेस्ट हैं इसलिए आप सोचते हैं कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही सारा सोचते हैं। भाई नहीं, दुनिया बदल रही है, रंग बदल रहे हैं, हर समय हर पल कुछ ना कुछ हमारे जीवन में घटित होता है और फिर हमें मौका नहीं मिलता है। और वहीं जुपिटर थर्ड हाउस में जब आ जाता है तो गुस्से की भावना को भी पैदा करता है। तो कई बार आप सब कुछ लुटाते हैं, देते हैं, फिर अचानक से आप हाँ बिल्कुल शेर की तरह दांत दिखाने लगते हैं। भाई ऐसा नहीं है, अगर आप समय से ही चीजों को सही करके चलें तो फिर आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब चित भी आपकी पट भी आपकी, अगर आप चाहते हैं तो निश्चित तौर पर कुछ चीजों के लिए आपको सावधान रहना होगा। अगर आपके सुख शाम की बात करूं तो मंगल आपके सुखेश हैं, आपके पंचम भाव में चले गए हैं, आपके भाग्येश भी हैं, निश्चित तौर पे कामकाज की गति को ये प्रभावित करेंगे। माँ की ओर से ऐसा लगेगा कि जैसे वो आपकी बहुत सपोर्टिव है, आपको बहुत करती है और निश्चित तौर पे कर भी रहेगी। उनकी ओर से आपको फाइनेंशियल किसी तरह का कोई बेनिफिट भी हो सकता है, उनकी सपोर्ट मिल भी सकती है, लेकिन फिर भी कहूँगा कि दूसरों से आशाएं रखना। आप कहेंगे माँ दूसरी, बिल्कुल हाँ, समय के हिसाब से जो रिश्ते हैं वो भी बदलते हैं। भाई दूसरों पर आशा रखना ये शेर का काम नहीं है, तो आपको अपने ऊपर ही भरोसा रखना है, लेकिन साथ जरूर बना रहेगा। जैसे मैंने पिछले एक वीडियो में कहा था कि माँ से बेहतर रिश्ता कोई हो नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको जरूर सावधान, हल्का सा सावधान रहना पड़ेगा, जिससे आपकी लाभ की गति बनेगी। ये बहुत जरूरी बात है। अगर मैं बात करूँ आपके पंचम भाव की, जो संतान से संबंधों की बात है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि मंगल और शनि निश्चित तौर पर एक स्ट्रेस है बच्चों को लेकर स्ट्रेस है, लेकिन बच्चे तो ठीक कर रहे हैं, फिर स्ट्रेस किस बात की, क्योंकि जुपिटर निश्चित तौर पे बच्चों के घर से बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। आपको लगता है कि बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं,
बच्चों की हेल्थ को लेके कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन रहती है, शनि बैठे हुए हैं तो वो कॉम्प्लिकेशन देंगे ही, साथ साथ मंगल और शनि का योग जो है, और इसमें जो लोग कंसीव जिन्होंने कर लिया है उनको भी अपनी प्रेगनेंसी का ध्यान रखना ही होगा, और कई बार तो ऐसा होता है कि बार बार कोशिश करने पर भी सफलता नहीं मिलती है, IUI के बाद भी और IVF के बाद भी सफलता नहीं मिलती, ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि जिनके बच्चे हैं भाई, बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और वो अपनी योग्यता के अनुसार कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पर्सनल संबंधों की बात करूं तो आपके सेवंथ हाउस में जब मैं देखता हूं तो कुंभ राशि और शनि बहुत ही शुभ स्थिति में बैठा हुआ है, उससे बिल्कुल पांचवें घर में, तो ये एक अच्छा संबंध, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, कहीं ना कहीं बेहतर रिश्ते हो रहे हैं, लेकिन उसके पीछे एक ही चीज़ है कि कहीं ना कहीं आपने खुद को बदला है, और कहीं ना कहीं आपका जीवन साथी भी आपका, आप लिव इन रिलेशनशिप है तो वहाँ पे अगर आप अफेयर में हैं वहाँ पे कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अब पहले से बेहतर हो रही है। अब ये कितनी देर रहेगी ये डिपेंड करता है कि आप कितनी देर तक किसी चीज़ को निभा पाते हैं और सामने वाला कितनी देर तक आपको अच्छा रिस्पॉन्स है वो दे सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जो होती हैं कई बार वो हमें निराश कर देती हैं, तो इसलिए सच्चाई को फेस करके जो समय की स्थितियाँ उसको सामने रखकर ही डिसीजन लिए जाए तो उसमें ज़्यादा लंबी देर तक बेहतर रिश्ते जो है बने रह सकते हैं, प्रेम संबंधों में सफलता के आसार बने हुए हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, अब आप उसको शादी का नाम देना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि बिल्कुल आगे बढ़ें, अगर आपको कोई इंट्रोड्यूस करता है तो आप जरूर मिलें, समय बनाएं जिससे बात बनेगी। पिता के संबंध में हमेशा की तरह आप अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि जुपिटर जो है आपकी कुंडली में एट्थ हाउस के लॉर्ड भी हैं और वहीं मंगल आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं, तो ये दोनों के दोनों सितारे जो हैं ईगो से, तो ऐसा लगता है पिता को कि अगर मैं सब कुछ करता हूँ तो यहाँ पे आप को झुकना चाहिए, इसमें कोई दो राय है, लेकिन शायद पिता को भी इस बात के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि बच्चे अच्छा कर रहे हैं तो मैं उनका साथ हूँ, तो आपको यहाँ शायद अपने हकों के लिए, पिता से हकों के लिए कई बार आपको कहना पड़ सकता है, तो उसके लिए अपने आप को तैयार रखें। तो कुल मिला के रिश्तों में बहुत सारी चीज़ें इस बार आपको चैलेंजिंग रहेंगी, तो आपको खुद को मेंटेन करना है जिससे आपकी स्थिति बनी रहे। घर गाड़ी की अगर बात करूं मैं तो निश्चित तौर पे मैं आपके फोर्थ हाउस को जब देखता हूं तो आपके फोर्थ हाउस में मंगल और मंगल का शनि के साथ संबंध, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के विषेदन की बात, जब भी पंचम भाव से फोर्थ हाउस का संबंध बनता है तो दिमाग में चलता है घर बेच दो, ये बेच दो, प्लॉट बेच दो, जमीन बेच दो, हमेशा ये लगा रहता है कि बस अब ना जाने क्या हो जाएगा, और सिक्स्थ हाउस भी उसमें साथ दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि हाँ अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं, अगर आप किसी चीज़ को डिस्पोज ऑफ करने की बात कर रहे हैं, उससे निकलने की बात कर रहे हैं, तो एक अच्छा प्लान आपका हो सकता है जिसमें अच्छे दाम मिल सकते हैं, एक अच्छा लाभ मिल सकता है। लेकिन बेचना कोई बड़ी बात नहीं है, कहते हैं घर बनाने में सालों लग जाते हैं और गिराने में दो दिन तीन दिन कुछ घंटों में गिर जाता है, और जहाँ पे बेचने की स्थिति जो है, सेल करने की स्थिति जो है, वो एकदम अच्छी है, एकदम बढ़िया है, लेकिन अगर आपके पास पहले से इंतजाम है कोई और प्रॉपर्टी का, फिर ही आप इस रिस्क को लेंगे, अन्यथा इस समय में ली गई नई प्रॉपर्टी आपके लिए आगे चल के मुश्किल पैदा कर सकती है। अच्छे दाम के बावजूद आप जिस मकसद से उस घर से बाहर निकले वो समस्याएं शायद आगे और बढ़ जाएं, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान जहाँ पर देना होगा। घर गाड़ी की चेंजेस तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं और स्थान परिवर्तन भी आप कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी जो स्थिति है जैसी है वैसी बनी रहनी चाहिए, इसमें हल्का फुल्का कुछ बदलाव अगर आप करना चाहते हैं जरूर करें, बहुत बड़ा एफर्ट, बहुत बड़ी चेंज अगर आप ना लेके आए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं इस समय में, निश्चित तौर पे आपको फोकस करना है, क्योंकि मंगल इस समय में आपको राइज कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ कुछ कॉम्प्लिकेशन भी क्रिएट कर रहे हैं, अगर आप उस चीज़ को मैनेज कर पाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ की स्थिति बनेगी, अन्यथा फिर मुश्किलें आपके सामने आ जाएंगी। बात अगर मैं करूं आपके धन की, ये सारी चीज़ें होंगी कैसे, खैर मैंने तो आपको मना ही कर दिया कि भाई ऐसा मत करो, आपके पैसे आ सकते हैं, आपको कहीं और पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कामकाज के मामले में कहूँगा कि इस महीने की शुरुआत मंगल की ही दशा में हुई है, और सॉरी चंद्रमा की, क्योंकि चंद्रमा अपने क्षेत्र में, इस महीने की शुरुआत चंद्रमा की दशा में हुई और चंद्रमा आपके ट्वेल्थ हाउस में है, तो वो दिखा रहे हैं कि खर्चे हो रहे हैं, खर्चों का सिलसिला रुक नहीं रहा है और बढ़ता ही चला जा रहा है, जी हाँ, इसलिए आपको खर्चे तो करने ही पड़ेंगे लेकिन क्या आमदन भी होगी, इस बात को हमें समझना होगा, और उसके लिए हमें ध्यान देना होगा आपके टेंथ हाउस के ऊपर जहाँ पे है वीनस, और वीनस जो है अभी आपके भाग्य स्थान से जुड़े हैं, आपके कर्मेश का भाग्य स्थान, यानी कि आपका भाग्य ही इस समय आपके कर्म को बल दे रहा है, आप मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन उतना फल नहीं मिल पा रहा है, या जो व्यस्तता कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, जिसकी वजह से आप वो नहीं बना पा रहे हैं, चाहे जॉब है, चाहे बिजनेस है, जो भी आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कुछ भी किसी तरह से लगा लीजिए, कहीं ना कहीं कुछ मुश्किलें आपके सामने बनी हुई हैं, और मैं देख रहा हूं कि ये शायद खर्चों का सिलसिला अभी रुकता हुआ
दिखाई नहीं रहा। इसलिए कोशिश ये करें कि आप अपनी आमदन को, अपने पैसों को सिक्योर करने की बात करें, उसके पीछे दो तीन कारण हैं। चंद्रमा की दशा 12th हाउस खर्चा, सेकंड हाउस मरकरी 8th हाउस में बैठा हुआ है, और ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं, और कर्मेश 9th हाउस में चला, तो ये जो कम्बिनेशन है कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल जो इस समय में ज़्यादा फोकस करना होगा, फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस को सुलझाने के लिए, बैलेंस बढ़ाने के लिए आपको काम करना है, अन्यथा मुश्किल होगी और फिर वो आपको स्ट्रेस देगा, एंजाइटी देगा, रात की नींद हराम होगी और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इस तरह से खराब होगी। समय के दौरान, इस महीने के दौरान आप किसी यात्रा की प्लानिंग भी कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी यात्रा हो सकती है, परिवार बच्चों के समय यात्रा हो सकती है, काम के सिलसिले में यात्रा हो सकती है। तो ऐसी यात्राएं होती रहें जिसमें काम को, तो मैंने पहले ही कहा है कि प्रोफेशन को आपको राइज करना, उसमें ध्यान देना, तो ऐसी कोई यात्राएं अगर हो रही हैं तो अच्छी बात है। अगर आप कुछ ऑनलाइन कुछ नया बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा समय आप लोगों के लिए हो सकता है, उससे एक आपको अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के अगर मैं देखता हूँ तो जो स्थितियाँ इस बार आपके बैंक बैलेंस को कहीं ना कहीं हिलाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो कोशिश यही करें कि वो इतना ना हिले कि आपकी जमा पूंजी जो है वो आपके हाथों से खिसकती चली जाए, कुछ ना कुछ आपकी पोर्ट में आता रहे, ये बहुत जरूरी बात है। उम्मीद करता हूँ और कि ये जो जानकारी मैं दे रहा हूँ आपके लिए अच्छी होगी। और आपका सवाल है कि भाई इसके लिए उपाय क्या हो सकता है, जी हाँ, ये एक बड़ा सवाल कि उपाय क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आपको बल मिले उसके लिए सूर्य का बलवान होना बहुत जरूरी है। सूर्य को बलवान करने के लिए एक ही उपाय होता है कि सूर्य उदय से पहले जागृत आप बेड छोड़ के और अपने आप को एक्सरसाइज जिम या सूर्य के उगते हुए सूर्य को देखें, सूर्य को की उपासना करें, जल दें और अपने आप पर भरोसा रखें, अपने आप से प्रॉमिस करें कि आज आपको क्या करना है, एक अच्छी प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ें। तो ये छोटा सा उपाय आपके लिए एक बड़ा मंत्र हो सकता है, एक बड़ा उपाय साबित हो सकता है और आपके लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलूंगा आपसे, बात करूंगा आपसे आपके अगले महीने के राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।